फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही थी बची हुई रोटियों की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे यहाँ रोटियां बच जाती हैं तो हम उनको क्या करते हैं, या तो फेंक देते हैं या फिर गाय वगैरह दे देते हैं। लेकिन जहाँ पर गाय वगैरह नहीं है तो वहां पर क्या, रोटियां रखे रखे हम सड़ा देते हैं, फिर इधर उधर ले जा करके फेंक देते हैं। तो चलिए आज रोटियों का ही रीयूज करते हैं कि रोटियों का रीयूज कैसे कर सकते हैं, रोटियों को हम अपने जो है कि कैसे कैसे अलग अलग तरह से लोग रेसिपी बनाते हैं रोटियों की। तो मैं भी आज एक रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसे हम तो बचपन से खाते आए हैं और हमारे बच्चे भी बहुत मतलब कि पसंद करते हैं। मतलब मेरे यहाँ तो रोटियाँ कभी भी वेस्ट नहीं होती हैं, अगर चाहे जितनी भी बच जाएं उनको मैं यूज कर ही लेती हूँ, और बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं और मैं भी बहुत चाव से खाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ रोटियों का। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ रोज रोज जो आप लोग सोचते होंगे कि रोज रोज ये रेसिपी ही लेकर के आती है, तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, सुबह से शाम तक में के कामों में रेसिपी ही मतलब कि खाना बनाना ही हमारा मेन काम होता है, जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो हम तो ज़्यादातर जो है कि किचन में ही रहते हैं सुबह शाम दोपहर को, और फिर जब कोई आ जाए फिर टू टाइम चाय बनाते हैं, तो एनी टाइम तो हम किचन में ही रहते हैं, तो किचन ही दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे, ठीक है। और जो है कि कभी हम ब्लॉग भी बनाते रहते हैं और रेसिपी भी शेयर करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बची हुई रोटियों से बनाते हैं एक चटपटा सा नाश्ता जो खा करके मजा आ जाएगा। आप भी बोलेंगे जैसे मैं बता रही हूँ ना, वैसे अगर बनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ कोई चीज बताई है, ठीक है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमें अपनी रोटियों का ना कुछ इस तरह से चूरा बनाना है रोटियों का, ठीक है। तो आप अपनी रोटियों का चूरा बना लीजिएगा इस तरह से। फ्रेंड पहले देख लीजिए कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पास हैं, मेरे पास ये रोटियां बची हैं, मेरी तीन रोटियां बची हुई हैं। तो मैं तीन रोटियों से बनाऊंगी, आप चाहे जितना भी ले सकते हैं, बस अपने रोटियों के अकॉर्डिंग तेल और ये सारी चीजें जो है रखिएगा। तो यहाँ मेरी तीन रोटियां हैं, तो उसमें डालने के लिए हम जीरा लेंगे और फ्रेंड्स लाल मिर्च लेंगे। लाल मिर्च मतलब इसको बनाने के लिए हमें लाल मिर्च ही लेना है, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। हरी मिर्च से उतना मतलब तीखा तो रहेगा लेकिन लाल मिर्च से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और फिर हमें चाहिए ये चाट मसाला, कोई सा भी आप चाट मसाला ले सकते हैं, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक चाहिए। सॉरी ये तो चीनी का डब्बा आ गया। अभी हमारा तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा देखिए आधा चम्मच जीरा डाल दीजिएगा बस। जब हमारा जीरा चटक जाएगा तो फिर हम ये लाल मिर्च डालेंगे। फ्रेंड्स इसको बनाइए खाइए ना, बिल्कुल मतलब स्नैक्स, एक अच्छा सा आपका स्नैक्स रेडी हो जाता है। तो अब मेरा मिर्चा भी हो गया, तो अभी हम रोटियां डाल देते हैं। रोटियां डाल करके भून लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, मतलब भूनिएगा। अगर आपको ज़्यादा क्रंची नमकीन टाइप का खाना है तो थोड़ा ज़्यादा इसको भून दीजिएगा, और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा रखना है तो कम भूनिएगा। तो इसको जब भी भूनिएगा आँच आपका बिल्कुल धीमा रहना चाहिए। तो इसको अभी हम भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी रोटियाँ भून गई हैं एकदम अच्छे से। अब इसमें आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा और। ये नमक हो गया और अब ये चाट मसाला डालेंगे, ठीक है बस। चाट मसाले से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप तेल भी फ्रेंड्स, अगर एक रोटी आपकी है तो एक चम्मच, और दो रोटी है तो दो चम्मच, तीन रोटी है तो तीन चम्मच, चार चम्मच, ऐसे करके ही अपना ऑयल रखिएगा, नहीं तो बिल्कुल सूखा सूखा सा लगेगा खाने में, और ऐसे है तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में।
तो ये देखिए हमारा बहुत सिंपल सा स्नैक्स नाश्ता रेडी है, जिसके साथ आप अपने लिए चाय बना लीजिए, चाय नहीं पीते हैं तो छाछ बना लीजिए, और छाछ भी नहीं पीते हैं तो फ्रूट रख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपका भरपूर एकदम नाश्ता हो जाएगा टेस्टी सा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितना टेस्टी नाश्ता हमारा बन करके रेडी है, बिल्कुल यम्मी सा चाट मसाला है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो चलिए मैं अब इसे इंजॉय करती हूँ। तो फ्रेंड नाश्ता बनाते बनाते घंटी बजी थी, तो आपको सुनाई दिया होगा घंटी। तो आ गया था हमारा एक तो पार्सल आया, तो झपट्टा तो बहुत तेज मारते हैं, लेकिन लेकर के बैठे हैं कैंची एकदम मरी हुई, जिससे कि कुछ कटता ही नहीं है, धागा भी नहीं कटता है। धीरे धीरे खैर कट गया। तो मैं मंगाई थी अपने लिए एक ट्राइपॉड, तो इस ट्राइपॉड मुझे थोड़ा सा और बड़ा चाहिए था, लेकिन ये छोटा है थोड़ा सा, पर ठीक है अपने बजट के हिसाब से मैं अभी मंगाई हूँ। आगे चल करके ये और मैं बड़ा भी लूँगी। तो फ्रेंड्स इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दी है, पर इस पर जो वीडियो है मैं किसी दिन एकदम फुर्सत से इस पर एक वीडियो बना करके डालूंगी, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर आप लोगों में से कोई लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आती है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।